कंप्यूटर में इनपुट उस डेटा या इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है, जिससे वह उसका प्रोसेसिंग करके और उसका रिस्पॉन्स दिखाए। इनपुट वेरियस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड के द्वारा टाइप किया गया डेटा या माउस क्लिक और वॉइस कमांड। ये किसी एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र, इससे कंप्यूटर प्रोसेस करता है और डिज़ायर्ड आउट प्रोड्यूस करता है। प्रोसेस एक टर्म होता है जो किसी सिस्टम या समझाने वाले के लिए काम करता है, काम करते वक्त किया जाने वाला स्टेप या स्टेज को रेफर करता है। कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम किसी इनपुट को लेकर उस पे स्पेसिफिक ऑपरेशंस या टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कैलकुलेशंस, डेटा मैनिपुलेशंस या इंफॉर्मेशंस रिट्राइवल, और उसका रिजल्ट या आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एल्गोरिथम और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डिफाइन करता है कि किस तरह से इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा और किस तरह से आउटपुट जनरेट किया जाएगा। इसमें कैलकुलेशंस, डेटा स्टोरेज और कंपैरिजंस और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं जो स्पेसिफिक टास्क या प्रॉब्लम को के अकॉर्डिंग होता है। नंबर तीसरा, आउटपुट एक टर्म होता है जो किसी सिस्टम या प्रोसेस के रिजल्ट का रेफर करता है। कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट में आउटपुट वह डेटा या इंफॉर्मेशंस या रिजल्ट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम ने इनपुट को प्रोसेस करके जनरेट किया होता है। ये आउटपुट यूज़र के लिए विजुअल हो सकता है, जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया टेक्स्ट और इमेज या साउंड। इसके अलावा यह आउटपुट किसी फाइल में सेव किया जा सकता है या दूसरा डिवाइस या सिस्टम तक भेजा जा सकता है। आउटपुट को कंप्यूटर या किसी सिस्टम से मिलता है जब आप कुछ इनपुट देते हैं और सिस्टम उस इनपुट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स या रिजल्ट देता है।